मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज के अधीन होने से जिला मंडलीय अस्पताल में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाएं बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। वहीं अब इमरजेंसी में मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड को 4 जोन में बांटा जा रहा है। मरीजों का इलाज अब क्राइड, येलो, रेड, येलो और ग्रीन जोन में किया जाएगा। मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल सके इसके लिए अस्पताल के डॉक्टर दिल्ली एम्स में ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। गंभीर मरीजों को रेड जोन, थोड़े कम गंभीर वाले मरीजों को येलो और प्राथमिक उपचार वाले मरीजों को ग्रीन जोन में भर्ती किया जाएगा। जोन बनने के बाद डॉक्टरों की प्राथमिकता होगी कि वह पहले रेड जोन वाले मरीजों की देखभाल करें, इसके बाद येलो और ग्रीन जोन वाले मरीजों का इलाज करेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। माँ विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आर बी कमल का कहना है कि इमरजेंसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। क्राइड के साथ ही 3 जोन बनाया जाएगा। पहले क्राइड में अटेंड किया जाएगा, इसके बाद रेड, येलो, ग्रीन जोन में इलाज किया जाएगा। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पहले ड्यूटी खत्म होने के बाद डॉक्टर जब वार्ड छोड़कर चले जाते थे तो दूसरे शिफ्ट वाले डॉक्टर को मरीज की हिस्ट्री पहचानने में परेशानी होती थी, मगर अब अलग अलग जोन बनने के बाद डॉक्टर आसानी से मरीजों की पहचान कर सकेंगे और प्राथमिकता के आधार पर मरीजों का इलाज हो सकेगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में 24 घंटे मेडिसिन, आर्थो और सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। और हमारी जो टीम गई थी दिल्ली, इसमें दो डॉक्टर थे और स्टाफ नर्स थे। ये जो दिल्ली एम्स में जो हमारी इमरजेंसी डेवलपमेंट और प्लान चल रहा है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे और मरीजों को बेहतर सुविधा कैसे दे पाएंगे, तो उसके लिए आज हम दे रहे थे कि हमारे पास अभी थोड़ा यहाँ बेडों की कमी है, तो कैसे हम बेड बढ़ाएं तथा इस इमरजेंसी को 4 जोन बांटना है। हमारी इमरजेंसी में 4 जोन जो बांटे गए उसमें है ट्राइज एरिया है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, येलो जोन है। तो जैसे पेशेंट आता है उसकी कंडीशन के हिसाब से जोन के डिवीजन होते हैं। पेशेंट सीरियस है, जैसे यहाँ तुरंत हमारा ट्राइज एरिया में जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे हमेशा। 3 सुपर हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम है वो हमेशा रहेगी, आर्थो, सर्जरी और मेडिसिन के जी। तो अभी हमारे पास जो देखा है इमरजेंसी में वो जगह कम पड़ रही है, तो इसको विस्तार कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम बेसिक राउंड अभी जो लिया है उसे कहा है। कितने कब तक हो जाएगा इमरजेंसी? बता दें कि माँ विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिला मंडलीय अस्पताल के 1 इमरजेंसी डॉक्टर, 1 मेडिसिन डॉक्टर और 1 नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली एम्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जो 5 दिन की ट्रेनिंग करके अब वापस लौट आए हैं। अब इमरजेंसी में मरीजों की हालत को देखते हुए डॉक्टर इलाज करेंगे। अस्पताल प्रशासन के इस कदम से दूसरे अस्पतालों में रेफर होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्या की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।